और इसी कड़ी में पटना के गार्डियनर हॉस्पिटल में भी टीका उत्सव की शुरुआत की गई, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण लेने की होड़ में लोग कोरोना गाइडलाइंस के किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें चले कि देश भर में कोरोना का दूसरा वेव जो है पांव पसार रहा है, जिससे लड़ने के लिए सरकार लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी कर रही है। बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन की टीम खुद सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। इस तस्वीर को देखकर पिछले साल लगे लॉकडाउन की याद आ रही है। यहां न तो सड़कों पर एक भी गाड़ियां चल रही है और न ही कोई लोग है। सीमांचल जिले के किशनगंज से आइए, जहां सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। यहां पर सुहिया गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एकमात्र चचरी पुल ही है, जो पैदल यातायात के लिए बनी थी, लेकिन इस पुल से भारी ट्रैक्टर को भी पास कराया जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर पुल पर चढ़ा, पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया और वाहन वहीं पर फंस गया, जिस कारण ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हो गई। इस मामले में उप मुखिया ने कहा कि कई बार प्रशासन से लेकर एमएलए और एमपी तक गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो फिर क्या हो? नदी में पुलिया होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इंटर एक हाई स्कूल है, बहुत चर्चित है, जो कि रिजल्ट के भी मामले में सबसे आगे रहता है। इस बार भी कई टॉपर दिए हैं, यहाँ के स्कूल टॉपर भी है और यहाँ से आपका जिला टॉपर भी हुए हैं। और ये कि हम राजस्व हाट सुइया है और यहाँ लगभग दर्जनों गाँव यहाँ आते हैं अपना सब्जी लेने के लिए या हटिया बाजार।